Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. Aaj ka ye video hai regarding saptahik rashiful for this upcoming week from 2nd December to 8th of December 2019. Usi ke saath saath agar aap daily tarot reading chahte hain, so aap mujhe follow kar sakte hain Instagram par and Facebook par bhi follow kar sakte hain because jo bhi main daily tarot reading post karti hoon, वो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट होती हैं. सो डेफिनेटली डेली टैरो रीडिंग के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं. उसी के साथ साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली राशि से जो है एरीज. बाय द वे, अगर आप न्यू हैं चैनल पर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आ सके जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ. यस यस, क्योंकि मैं पहले बताना भूल गई थी इंट्रो में, सो आई जस्ट रिकलेक्टेड, सो आई हैव मेंशन इट. ओके, सो हमारी सबसे पहली राशि है वो है एरीज. एरीज राशि वालों के लिए कार्ड आया है द नाइट ऑफ कप्स. ओके, अब जैसे कि इमेज में देख सकते हैं, आई पर्सनली फील ये बहुत ही पीसफुल इमेज है. एक्चुअली द नाइट ऑफ कप्स जब भी कार्ड्स आते हैं, ये एक चीज़ ऐसी इंडिकेट करते हैं कि एरी स्पेशली ये वीक में आप जैसे शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, पर आपको लग रहा है कि जो मन की आपकी स्पीड है वो लाइफ की स्पीड नहीं हो पा रही है. जो स्पीड से आप सक्सेस चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, वैसा आपको सिचुएशन आपको सपोर्ट नहीं दे रही. इस वजह से ना हम कहते हैं ना, बंदा जब किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करता है, उसको उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, उसका रिकग्निशन नहीं मिलता है, तो वो खुद ही थोड़ा सा स्लो हो जाता है. यार लगता है ये लाइन में ना मतलब नहीं है अभी, ये चीज़ में ना मज़ा नहीं आ रहा. जिस चीज़ के लिए मैं कर रहा था, मुझे तो उस चीज़ में फल ही नहीं मिल रहा, तो मैं करके क्या करूँ. तो कहीं ना कहीं मन ही मन में अंदर निराशा महसूस कर सकते हैं एरीज ये वीक में, बिकॉज जैसा कि आप देखो, जैसे कि हम कहते हैं ना कि बंदा घोड़े पे निकल के सवार हो चुका है काम पे जाने के लिए, बट यू नो इट्स लाइक अ बेसिक डेली रूटीन है, मन नहीं है जाने का काम पर, यू नो इट्स नॉट गेटिंग कनेक्टेड. वो कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है एरीज को ये वीक में. मे बी इट्स अ वर्क और यू कैन कॉल इट अ रिलेशनशिप ऑल्सो, बट मैं कहूँगी एरीज का जनरल फीलिंग ये रहेगी इस वीक में कि लाइक वो करना चाहते हैं बट उनका वो पैशन वो उतना बढ़ नहीं पा रहा बिकॉज उनके आसपास उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो वो फिर से लो हो जाते हैं. तो ये जो मूड स्विंग्स चल रहे हैं, जो एनर्जी एक स्पार्कलिंग नहीं हो पा रही है, सो एरीज ये वीक में थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं. इन दिस रिगार्डिंग मैं कहूँगी हम ये कार्ड जब भी आते हैं नाइट ऑफ कप्स के, हम कहते हैं कीप मूविंग. गाड़ी धीरे चल रही है कोई बात नहीं, चल तो रही है, तो आगे आगे बढ़ते जाइए, आगे स्पीड अप हो जाएगा. सो एरीज जस्ट टेक केयर ये वीक. आप थोड़ा सा ना लो फील कर सकते हैं, लिटिल डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं. कोई मेजर इवेंट नहीं होगा, जनरली खुद में हम कहते हैं ना कि मन नहीं कर रहा यार जाने का, आई एम नॉट हैप्पी विद द वे माई लाइफ इज़ मूविंग, तो ऐसे सारे थाट्स आते हैं ना, वो सब हो सकता है, बट दैट्स एब्सोल्युटली ओके. एक नेगेटिव कार्ड नहीं माना जाता. ये हम कहते हैं आप मूवमेंट तो कर रहे हो लेकिन वो मूवमेंट स्लो हो रही है, तो स्लो मूवमेंट में काम चल रहा है, तो वो चीज़ का आपने बस ध्यान रखना है एरीज. अदरवाइज इट इज़ अ गुड कार्ड, इट इज़ अ कार्ड ऑफ अ बिगनिंग मूवमेंट. चलो जो चीज़ रुकी हुई थी चली तो है, अब वो स्पीड में आने को उसको टाइम है, बट एटलीस्ट इट इज़ मूविंग. सो इन दैट वे इट इज़ अ गुड कार्ड, सपोर्टिव कार्ड एरीज. बस मैं इतना कहूँगी मूड स्विंग्स एंड थोड़े से मूड चेंजेस या डिसअपॉइंटमेंट को थोड़ा सा बैलेंस करके स्लो स्लो चले वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा. कोई बड़े डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो हमेशा सोच समझ कर लीजिए, किसी से विचार करके लीजिए, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स में क्या होता है, पर्सन जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, बोर्डम में ले लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट वीक में आप तभी भी लिंगर ऑन कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीक छोड़ दीजिए, किसी और से डिस्कस करके लॉन्ग टर्म से प्लानिंग कर रहे हो तो कर सकते हो. ये नो कार्ड नहीं है, सिर्फ ये कार्ड है कि यू हैव टू टेक थिंग्स स्लोली एंड पेशेंटली लीजिए, वो अच्छा माना जाता है. अदरवाइज नो बिग प्रॉब्लम्स एरीज, सिर्फ थोड़े से जैसे यहाँ पे फेस बना हुआ ना स्लो स्लो, बस ये फेस ऐसा हो सकता है थोड़ा सा अपसेट सा, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड ओके एरीज. अदरवाइज ये वीक आपके लिए शुभ है, अच्छा है, नथिंग टू वरी. सो चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस. टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड था फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स. अब यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि स्पेशली टॉरस ये वीक में आप महसूस कर सकते हो कि मे बी someone is कोई ना कोई आपको कोई आपको जैसे हम कहते हैं ना नेगेटिविटी दे रहा हो, या आपको लग रहा हो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि कि आप किसी चीज़ से हार गए हो, आपने किसी चीज़ में बहुत कोशिश की लेकिन आप वो अचीव नहीं कर पाए हैं. सो सम काइंड ऑफ अ फीलिंग ऑफ लूजिंग समथिंग, या फीलिंग ऑफ डिफीटेड कि हम हार गए, मे बी हमने इतनी कोशिश की इस एस्पेक्ट में, इट कुड बी एनी कोर्स, जॉब,
कोई चीज़ में आपको लगेगा कि यार मेरा ये काम नहीं बन पाया, मैंने इतनी कोशिश की एंड आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, ये सारी चीज़ें मन में आ सकती हैं। जब ये समय आता है, ये कार्ड आता है, सबसे पहली चीज़ टॉरस, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, हम एक चीज़ ये भी कहते हैं कार्ड देखिए कि नो कि फॉर सम टॉरस ही मैं कहूँगी, कई बार ऐसे होता है कि हम जिस ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट सिचुएशन से लड़ रहे होते हैं, कई बार हमसे ज़्यादा वो पार्टी पावरफुल होती है, वो सिचुएशन इतनी पावरफुल होती है कि हमारा हमें गिव अप करना पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है टॉरस, तो यू बी रेडी फॉर अ गिव अप फॉर दिस वीक स्पेशली, वो सिचुएशन को लेकर गिव अप के लिए थोड़ी सी एनर्जी को ओपन अप रखिए, बिकॉज ये कार्ड में हम कहते हैं आप ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा ना लड़ें, क्योंकि वो लोग का प्लानिंग या उनकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आप ना खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर नो गिव अप वैसे भी कर दोगे। सो इसमें हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम कहते हैं ना एक समय होता है, बुद्धि होती है, टाइम होता है, उन सबके साथ में वो चीज़ हैंडल की जाती है। जब हमें लगे हमारा इतना टाइम इन्वेस्ट करके हमने यू नो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही है, सो इट्स बेटर टू बैक ऑफ, इट्स बेटर टू चेंज द पाथ, इट्स बेटर कि हम अपना रास्ता ही बदल लें, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ना कि उसमें हम फंस जाएँ। और यू नो क्योंकि क्या होता है, जो सामने वाला आदमी होता है जो आपको इतना परेशान कर रहा है, या आप मान लो कोई सिचुएशन है, कोई भी चीज़ है, आप उनसे लड़ना तो चाहते हो, बट यू नो उनकी इंटेंशन थी जब आपके साथ सुलह करने के लिए, उनका इंटेंशन ही कि आपको और परेशान करें, तो ये सिचुएशन में इट्स बेटर कि आप पीछे हट जाएं, अपना सुकून ढूंढ लें, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन टॉक टू देम। बट दिस वीक टॉरस, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, अवॉइड फाइट्स, अवॉइड एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, तो जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए इन सारी चीज़ों को इस वीक में, एंड ट्राई टू बी काम। तो ये वीक में आप, मैं किसी भी तरीके की सुलह होती हुई नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी जितना हो सके आप अवॉइड करें कम्युनिकेशन को, वो ज़्यादा अच्छा है। एंड उसी के साथ साथ कोई ऑब्स्टिकल या कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं इस वीक में, या उसके लिए बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट जाएँ, थोड़ा सा और दूसरे वेज ढूंढिए, और कॉम्प्रोमाइजिंग वेज ढूंढिए, और कोई पाथ ढूंढिए, वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। इसमें ज़्यादा फोर्स एंड एफर्ट मत कीजिए, लाइक सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे वीक में, ये सजेशन होगा विद दिस फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के साथ में। सो आई होप आप इस कार्ड को समझ पाए हैं टॉरस, इफ सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप ये कार्ड से कितना रिलेट हो पाए हैं। कई बार पता नहीं गला ही बैठ जाता है बीच में। सो ओके टॉरस, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड आया था थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके जेमिनीज, दिस वीक आपके काम को लेके आपको रिकग्निशन भी मिल सकती है, अच्छे काम के अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकते हैं, काम को लेके बहुत ही शुभ वीक है, पॉजिटिव है, अच्छी एनर्जीज़ देखी जा रही है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क लाइफ, तो अच्छी एनर्जीज़ हैं। इसी के साथ साथ मैं कहूँगी जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो सकता है वो काम के भी रिकग्निशन, पॉजिटिविटी या थोड़े थोड़े पॉजिटिविटी आपको देखने मिल जाएं। ग्रुप वर्क करना, पार्टनरशिप करना, काम को आगे बढ़ाना, उन सब के लिए शुभ वीक या अच्छा कार्ड है। एंड उसके अलावा इन हमारी जनरल लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, पॉजिटिविटी, रेगुलर ग्रोथ, उन सब के लिए शुभ कार्ड है जेमिनी। मैं कहीं ना कहीं कहूँगी दिस इज़ दी कार्ड ऑफ यू नो, आपका वैसे तो ध्यान आपके काम पे रहता हुआ ज़्यादा लग रहा है, बिजनेस को बढ़ाएं कैसे, ट्रैवल कैसे करें, काम को कैसे बढ़ाएं, उन सब चीज़ों को लेके आपका ना एनर्जी लेवल बहुत अच्छा और पॉजिटिव है, उसे बरकरार रखें और अपने काम को आगे बढ़ाते जाएं, सब चीज़ों के लिए शुभ कार्ड है। आप जैसे कि देख सकते हो यू नो पर्सन है वो अपनी मूर्ति पे उसका ध्यान है, काम कर रहा है, दूसरे लोग आके उसका काम भी देख रहे हैं पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना मन लगा के काम कर रहा है बस। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो आप बस अपने काम पे भरोसा रखें, अगर आपको भरोसा है कि आप टैलेंटेड हो, आपको भरोसा है कि आप में वो काबिलियत है, यू नो जस्ट फोकस ऑन दैट, ज़्यादा मत सोचिए कि नो ये मुझे कैसे सक्सेस मिलेगी, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मेहनत करते जाइए, अपने आप लोग आकर आपको पूछेंगे, आपका काम देखेंगे, एंड यू विल गेट दैट। तो ये वीक में वैसे भी बहुत पावरफुल वीक है कि इस वीक में आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एफर्ट्स ले रहे हो, जो भी काम आपको आता है उसको बखूबी निभाएं, उससे आपको रिकग्निशन, प्रमोशन या पॉजिटिविटी मिलती हुई ज़रूर दिखती है। तो इन ऑल ओवर दिस इज़ अ गुड कार्ड जेमिनीज फॉर दिस वीक। इन जनरली आपका मूड एंड एनर्जी भी अच्छी रहेगी जेमिनीज, सो डोंट वरी, दिस इज़ अ गुड वीक एंड अ कार्ड फॉर यू फॉर दिस वीक। सो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड आया था डेथ कार्ड। नाउ नथिंग टू वरी, डेथ वर्ड सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, बट इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। कैंसर्स ये वीक ना आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि समटाइम्स अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगे, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन होने दीजिए, रिलेशनशिप्स हैं, करियर है, इन जनरल वॉट एवर एनर्जीज आपको लग रही कि आप यू नो
चाहते हो कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से चली जाए, ये प्रॉब्लम एंड हो जाए, ये प्रॉब्लम से आपको कोई सोल्यूशन दिख जाए, तो यहाँ पर मैं कहूँगी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है. मोर देन एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, आप खुद में ही एक मैच्योर होते दिख रहे हो, खुद से ही एक न्यू एनर्जीज को अडेप्ट करते हुए दिख रहे हो. मे बी यू नो आप एक स्टेज पर आ चुके हो कैंसर से भी कि यू आर लाइक मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने बहुत कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर ली, मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर लिए, अब मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड मैं देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे कंफर्ट जोन से निकल कर आगे क्या होता है. सो दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे एक पर्सन एक सिनेरियो में रहकर सब कुछ करता है, फिर उसकी जब वहाँ पे बात नहीं होती तो वहाँ से निकल के स्टेप आउट करता है. सो दिस इज़ द टाइम कैंसर एंड सी वीक में आपको एक एनर्जी लगेगी जहाँ पे आप कहोगे यार बस हो गया ये सब, अभी अब मुझे ना यहाँ से निकल के यू नो आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, वेदर इट कुड बी एंडिंग वन जॉब एंड मूविंग ऑन टू अनदर जॉब, अ फीलिंग ऑफ यू नो कुछ एंड करके नया करते हैं यार लाइफ में बहुत हो गया. सो आई कैन सी दैट थ्रू दी कार्ड्स कैंसर एंड सी वीक आपका डिज़ायर खुद से होगा, जिस चीज़ को आपने इतने टाइम से पकड़ के रखा था अब आपको वही चीज़ को मन करेगा यार इसको छोड़ के कुछ नया करते अब बहुत हो गया, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू गेट कैंसेरियंस. तो वो सारी एनर्जीज का बहुत ज़्यादा चांसेस है ये वीक में आपके वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इफ दैट हैपन्स कैंसेरियंस बी इन अ फ्लो, इट विल बी गुड फॉर यू, डोंट वरी, बिकॉज डेथ का हमेशा एक चीज़ कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आती है वो हर इंसान के लिए उनके आगे वाली लाइफ के लिए हमेशा शुभ ही माना जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे पीछे एक सनराइज हो रहा है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, ब्राइट लाइट आती है. तो जो आप चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हो आप वो खुद से चाहते हो या बाय डेस्टिनी वो चेंजेस हो रहे हैं, बट वो चेंजेस आपके लिए अच्छे हैं एंड पॉजिटिव ही माने जाएंगे कैंसरियंस, वो भरोसा रखिएगा. तो जब आपको फीलिंग आएगी ना अंदर से यार कुछ तो चेंज चाहिए, कुछ तो हो ऐसा, दैट चेंजेस एक्चुअली उसका एक पर्पज़ है, उसका एक कारण है, तो उसको आप फ्लो में भी रहिए, एक्सेप्ट कीजिए, दैट इज़ अ गुड थिंग. सो कैंसर दिस वॉज दी कार्ड फॉर यू. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप कैसा फील कर रहे हो कैंसेरियंस इन दिस वीक. चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो. लियो राशि वालों के लिए कार्ड आया था एट ऑफ कप्स. सो लियोज ये वीक में आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर ना सैड एंड अपसेट हैं, एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं. अब यहाँ पर कैसा हो जाता है कि इंसान कहता है अगर जब उसे लियो स्पेशली ये वीक में ऐसा फील करेंगे कि एक्चुअली जब उनसे कोई पूछेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, यू नो आप सैड क्यों हो, तो शायद आपके पास सही शब्द नहीं होंगे बताने के लिए या आपकी फीलिंग्स आप नहीं बता पाओगे, यू नो व्हाई यू आर सैड, बट इंटरनली आप जानते हो कि सब कुछ होते हुए भी आपका मन नहीं लग रहा है. आपके पास सब कुछ है, ऐसा देखा जाए कि यू नो एक पर्सन की जो नीड होती है, मे बी अ जॉब, मे बी अ मैरिड लाइफ, मे बी सब कुछ है, बट आप अंदर से डिससैटिस्फाइड हो किसी चीज़ को लेकर. मे बी शायद आपका कोई लाइफ पर्पस है, मे बी यू नो आप खुद ही सोच रहे हो कि यू नो आप कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हो अपनी लाइफ से. दिस वॉज नॉट योर एक्सपेक्टेशन कि बस इतना इतना हो जाए और इट इज़ एंड, या बस आपको एक जॉब मिल गई इट इज़ इनफ. यू वॉन्ट टू डू समथिंग मोर लियोज, आप जानते हो कि आप कुछ और करना चाहते हो, यू हैव दैट मोर पैशन. तो ये वीक ना आपको फीलिंग आपको खींचेगी एंड यू विल फील दैट. अगर किसी से शायद बात करने का मन ना करे, लेफ्ट आउट लगे, या एक तरीके का एक यू नो डिसअपॉइंटमेंट सैडनेस फील कर सकते हो, या थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं लियोज इन दिस वीक. सो दिस इज़ दी एनर्जीज एंड माई यू नो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट ऑल माई डियर लियोज, जब भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ या वेदर इट्स मंथली वीकली एंड एनीथिंग, इट्स जस्ट ऑलवेज कि हम कभी भी कार्ड्स चूज नहीं करते हैं, हम शफल करते हैं, कार्ड्स ऑटोमेटिकली आते हैं, हम सिर्फ कार्ड्स को रीड करते हैं जस्ट टू गाइड एंड सपोर्ट एंड यू नो हेल्प देम आउट. तो बहुत बार मुझे लियोज कमेंट करते हैं कि नो कि हमारे अच्छे कार्ड्स कब आएंगे या व्हेन विल वी सी. हमारे हाथ में एक्चुअली है ही नहीं कि कार्ड्स को यू नो हम कॉन्शियसली चूज करें या देखें, ऐसा टारो में बिल्कुल भी नहीं होता है. जस्ट लाइक यू नो इन एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा यू नो गोचर में टर्न अराउंड करते हैं, उसके हिसाब से हम फीलिंग्स बताते हैं, इट इज़ सेम इन टैरो ऑल्सो. हम कार्ड्स पिकअप करते हैं, वो साइंस है पूरी टैरो की. तो आई डोंट पर्सनली चूज अ स्पेसिफिक कार्ड्स फॉर यू माय डियर लियोज, चाहे लियोज हो दूसरी राशिज हो, तो उन्हें लगता है कि यू नो कि मैं पर्पसली कुछ कर रही हूँ. इट्स नेवर लाइक दैट लियोज. एवरी एनर्जी का एक सस्टेन जो हमें मिलती है, हम वही चीज़ आपको कहते हैं ताकि यू नो आपको एक गाइडेंस मिल सके, आपको एक उसमें लाइट मिल सके, आपको वो समय को कैसे बताना है, कैसे गो थ्रू करना है, उसमें एक आइडिया मिल सके लियोज. सो दिस इज़ व्हाट दी कार्ड टॉक्स अबाउट. जब भी एट ऑफ कप्स के कार्ड आते हैं हम कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा यू नो अलग हो रहे हो लोगों से, लाइक यू नो एट ऑफ कप्स, ये आदमी ना सब कुछ छोड़ के जा रहा है, उसकी ज़िंदगी की अचीवमेंट है, लेकिन इतनी अचीवमेंट होने के बाद भी वो सब कुछ छोड़ कर जा रहा है.
तो हम लियोज इसमें ये लाइट कहते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको खुशी देगी इस वक्त में, क्या आप ऐसा कर सकते हो अपने लिए, क्या वो आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई कम्युनिकेशन है जो आप करना चाहते हो, यू नो व्हाट इज़ दैट कि आपका दिल हल्का हो सके. डू दैट, कम्युनिकेट, कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसी कोई कम्युनिकेशन, किसी से मिलना, बात करना. अगर आपको अकेले रहने से खुशी मिल रही है इस टाइम पीरियड में, यू कैन डू दैट ऑल्सो, बिकॉज ये टाइम पीरियड में हम उसके लिए भी हाँ कहते हैं कि इट इज़ ओके. अगर आप अकेले भी वक्त बिता रहे हो, इट विल बी गुड फॉर यू, बिकॉज उससे आपको यू नो न्यू एनर्जी, न्यू एनलाइटनमेंट, न्यू पॉजिटिविटी मिलेगी. सो लियोस, दिस इज द फेज आई कैन सी फॉर यू इन दिस वीक. सो लेट इट गो ईजीली, बिकॉज ये टाइम पीरियड में हमसे इतनी चीज़ कहते हैं कि यू नो जस्ट टेक आउट सम टाइम, Try to make yourself happy and take care of yourself. But the अच्छी चीज़ ये होती है कि ये परमानेंट कार्ड नहीं है लियोस, ये टेम्पररी कार्ड है इस वीक में. बट आप जिस भी चीज़ से डिससेटिस्फाइड हो, खुश नहीं है, अगर चाहते हो तो उसके बारे में कम्युनिकेशन कीजिए, वो आपको यू नो सुकून एंड बेटर फील कराएगा लियोस इन दिस वीक. सो दिस इज़ द एनर्जी फॉर यू लियोस एंड आई कैन सी फॉर दिस वीक. आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं, समझ पाए हैं, दिस रीडिंग वॉज हेल्पफुल फॉर यू. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. तो चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो. वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड आया था नाइन ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी वर्गो, सबसे पहली चीज़, आप किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, स्कैर्ड हैं, वरीड हैं कि यू नो क्या होगा अब, कैसा होगा, या मे बी आपको शायद पास में कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो आप टेंशन में हैं कि यू नो क्या ये चीज़ वापस से ऐसी तो नहीं हो जाएगी, या अभी क्या होने वाला है. तो यू नो एक एक तरीके की चिंता आपके मन में बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का आप कह सकते हो फियर, वारी किसी ना किसी चीज़ के, यू नो हाउ दिस विल वर्क आउट, यू नो हम कहते हैं ना ये कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, यू नो ऑल दोज थिंग्स दैट वी थिंक. तो वो वर्गोज एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है ये कार्ड का. जब भी आता है वर्गोज, हम कहते हैं कि डोंट वारी, ये सिर्फ मे बी आपके साथ पास में हो, इसीलिए आप उसे दोबारा से सोच रहे हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ नेगेटिव वे में होगी. सो बी पॉजिटिव एंड डोंट वरी, बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है. मे बी उसको शायद यू नो चोट लगे एंड वो डर रहा है वापस उसके साथ, तो वो चोट नहीं लग जाएगी. तो यू नो ये चोट अभी यू नो होता है ना कि हम किसी रिलेशनशिप में हर्ट हो जाते हैं, किसी काम को लेके हर्ट हो जाते हैं, कभी सो मैनी थिंग्स हमारी. कई बार हम जॉब करते हैं और हम जॉब में हमारे साथ यू नो एक दो बार नेगेटिव हो जाता है, हमें लगता है यार ये दोबारा से ना हो जाए. सो ऑल दीज फीलिंग्स एक्चुअली टैरो टॉक्स अबाउट. तो ये वीक में वर्गोस माइट सीम टू बी लिटिल वरीड कि उनके साथ दोबारा वो चीज़ ना हो जाए, दोबारा से वो हर्ट ना हो जाए. सो वर्गोस ये चीज़ देखी जा रही है. बट आपसे कार्ड कहने के जस्ट रिलैक्स, इट वॉज नॉट नेसेसरी कि ये बार बार होगा, या जिस चीज़ को आप सिचुएशन में अभी आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें ऐसा हो जाए, जस्ट रिलैक्स एंड स्टेप बैक, वो आपके लिए सबसे अच्छा वर्गोस फॉर दिस वीक. सो डोंट वरी सो मच वर्गोस दिस वीक, अवॉइड कीजिए वरी को एंड फियर को इन दिस वीक. बी इन अ फ्लो, जो हो रहा है उसमें आप आगे बढ़ सकते हो. ये कारण हमेशा यही चीज़ डिनोट करता है द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, कि आप जिस चीज़ की चिंता कर रहे हो मे बी वो इतना नीडफुल नहीं है, मे बी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो. ट्राई टू अवॉइड इट, चेंज योर माइंड एंड गेट टू द पॉजिटिव आउटलुक ऑफ अ सिचुएशन. ये आपके लिए सजेशन है वर्गोस फॉर दिस वीक. सो वर्गोस, किस चीज़ को लेकर आप इतने चिंतित हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. थोड़ी सी हिंट दीजिए क्या सिचुएशन है वर्गोस, बट यहाँ पे कार्ड्स में आप थोड़े से चिंता और वरी में दिख रहे हैं. सो डू लेट मी नो आप ये कार्ड से कितना रिलेट हो पाए हैं इन द कमेंट बॉक्स बिलो. यस, तो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है लीब्रा. लीब्रास, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द टू ऑफ पेंटिकल्स. सबसे पहले चीज़ तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर चिंतित हैं, यू नो पैसे का लेन देन चल रहा है, हम इनकम कैसे बढ़ाएं और एक्सपेंसेस को कैसे कम करें, बैलेंस कैसे करें. तो पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है. मे बी आप, हम कहते हैं ना पैसे से पैसा बढ़ता है, मे बी आप सोच रहे हो कि मैं कहीं पे पैसा लगाऊं और वो पैसे से मेरा पैसा बढ़ेगा. पर इन सब के लिए भी बहुत सारा पैसा पैसा करना पड़ता है, तो कई बार इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड वरी में आ जाता है. तो ये भी आप पैसे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, पैसे का ज़्यादा सेटलमेंट कर रहे हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज हर इंसान को अपने जॉब या बिजनेस में पैसे के बारे में सोचना पड़ता है. सोचिए, मना नहीं करूँगी, लेकिन सिर्फ इतनी चीज़ है कि कोई भी बिग इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी सेकंड पर्सन की राय ज़रूर लीजिए. बट ये पीरियड स्पेशली अगर फाइनेंसेस में आप कहीं ना कहीं नो जगलिंग करो, स्ट्रगल करो, तो ये पीरियड ऐसा है, ये दौर भी बीत जाएगा एंड गेंस होंगे. बट यस, ये कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी जॉब में या कोई भी मनी एनालिसिस में ये चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते हो. लाइफ में बहुत बार आपको पैसा कहीं से लेके लगाना पड़ता है, पैसे के एडजस्टमेंट, पैसे का रीएनालिसिस करना पड़ता है. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये वीक में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, उसे ईजी लें,
फ्लो में लें वो ज़्यादा अच्छा है लीब्रास, दैट इज़ सजेस्टेड फॉर यू। सेकेंड थिंग, कोई बिग डिसीजंस ना ले लें, बस इतना है। किसी थर्ड पार्टी से या सेकेंड पर्सन का ओपिनियन लेकर करें वो ज़्यादा अच्छा, जल्दबाजी में फैसले ना लें, दैट इज़ गुड। एंड ऑल्सो ये जब कार्ड आता है तो हम एक और चीज़ कहते हैं, हो सकता है कि ये टाइम पीरियड में आप अपनी सेविंग्स को भी यूटिलाइज कर सकते हो। अगर कोई न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं या कोई आपका ड्रीम्स है, गोल्स हैं, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। वो चीज़ ज़रूर सजेस्ट की जाती है लिब्रास इन दिस वीक। सो दिस इज़ द फर्स्ट एनर्जी आई कैन सी फॉर यू। उसके अलावा इन जनरल अगर मुझे कहना हो ऑल ओवर आपकी डेली रूटीन में, तो ये वीक थोड़ा सा अपने काम को एंड अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये आप कह लो कि आपका जो स्ट्रेस है या आपकी पर्सनल लाइफ है, थोड़ा सा ना बैलेंस करके चढ़ना। हम कहते ना कि बंदा बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया है, ओवर काम कर रहा है, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं दे रहा, ओवर स्ट्रेस हो गया है, उसको थोड़ा सा बैलेंस करके करने की ज़रूरत है, ताकि थोड़ा सा यू नो आप बैलेंस रह सकें। मे बी इट्स योर फैमिली लाइफ, इट्स योर हेल्थ, तो थोड़ा सा काम के साथ में दूसरी चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपकी जनरल रूटीन में। तो ये रूटीन थोड़ी सी हेक्टिक एंड हैवी हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज पैसे के बारे में तो सोचना ज़रूरी है लिब्रास, तो ये वीक में ज़्यादा आप सोच सकते हैं, बट नथिंग टू वरी, इट इज़ ओके। ग्रीन सिग्नल है, आप आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, पैसे को लेकर चिंता, स्ट्रेस एंड वरीज चल रहे हैं, वो थ्रू द टाइम अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे लिब्रास। ये वीक वो चीज़ें हाइलाइटेड हैं। सो यस, चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड कहता है स्कॉर्पियंस इन दिस वीक कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ना पावरफुल फील कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर वर्क एंड योर ओन पर्सनैलिटी। मैं कहूँगी, मैं कोई सिचुएशन या कोई एक सेक्टर को टारगेट नहीं करूँगी, मैं कहूँगी स्कॉर्पियंस ये वीक आपको लगेगा कि यस, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी सिचुएशन है, आप अब उसे हैंडल कर सकते हो, आप मैनेज कर लोगे। तो वो वाली फीलिंग है स्कॉर्पियंस ये वीक में। एंड उसी के साथ साथ मैं कहूँगी आपका जो काम को लेकर पैशन है वो बहुत बढ़ेगा, एंड काम को लेकर आपका सीरियसनेस, डिसिप्लिन, फोकस, अटेंशन, सब आपका सारा का सारा अटेंशन आपकी काम की तरफ चला जाएगा स्कॉर्पियंस इन दिस वीक। तो दिस इज़ अ ग्रेट वीक, अपॉर्चुनिटीज़ आना, सक्सेस आना, काम आना, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा कार्ड है। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स हमेशा एक अच्छी इंडिकेशन लेके आता है कि इतने टाइम से जो आप मेहनत कर रहे थे उसका फल अब मिलना शुरू हो रहा है, उसके रिजल्ट्स आने अब शुरू हो रहे हैं। तो न्यू जॉब, करियर, पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटी, सब के लिए शुभ कार्ड है स्कॉर्पियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रोमांटिक एनर्जीज नहीं कहूँगी इन दिस वीक, बट येस द एनर्जीज आर लाइक, अब मैं कुछ ना दुनिया को दिखाना चाहता या चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या करना है। सो दैट फायरी एनर्जी, मे बी यू नो डिसम्बर का फर्स्ट वीक है तो न्यू मंथ स्टार्टअप हो रहा है, तो स्कॉर्पियंस बहुत पम्प्ड अप हो रहे हैं कि नो ये मंथ है, साल का आखिरी मंथ है, हमें कुछ नो करना है, क्लैरिटी चाहिए, इट कुड बी गोइंग फॉर अ न्यू कोर्स। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, हाई है, पॉजिटिव है, आई सी ऑल द ब्राइटनेस इन दिस कार्ड। सो स्कॉर्पियंस ये आपके लिए ऑफकोर्स शुभ एंड पॉजिटिव कार्ड है फॉर दिस वीक इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड जनरल हेल्थ, वेल्थ, वेल बींग के लिए एक शुभ कार्ड है। सो नथिंग टू वरी स्कॉर्पियंस, ये आपके लिए शुभ वीक होता हुआ दिख रहा है। सो यू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो स्कॉर्पियंस कि आपको रीडिंग कैसी लग रही है, आप इससे कितना रिलेट हो पाए हैं। तो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सैजिटेरियस, आप इस वीक में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि बहुत हो गया बैठ के, अब आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हो, आपका दिमाग भी बहुत तेज़ चलेगा, आपको बहुत क्विक आइडियाज़ आएंगे, आप क्विक एक्शंस लोगे ये वीक में, जो भी करना बड़ा क्विक होगा। शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म यू नो कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना भी हो सकता है, लाइक अ शॉर्ट टर्म कोर्स, कोई कॉन्फ्रेंस में जाना, कोई मीटिंग करना, लाइक कॉन्फ्रेंस इन द सेंस लाइक कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग न्यू पीपल फॉर अ न्यू बिजनेस, समथिंग लाइक दैट। तो कोई भी न्यू एनर्जीज का एंटर होना ऑफ कोर्स दिखता है, कोई न्यू बिगनिंग्स मुझे दिख रही है, न्यू आइडियाज़ दिख रहे हैं, न्यू प्लान्स दिख रहे हैं। सो सारी चीज़ें ये भी बहुत ज़्यादा यू नो एनर्जेटिक एंड क्विक है, हम कहते हैं ना फटाफट कोई चीज़ करनी, तो सारी चीज़ की एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहेगी ये वीक में। उनके काम को लेके, डिज़ायर्स को लेके, पैशन को लेके मेहनत बहुत करेंगे। सैजिटेरियस गेट रेडी टू वर्क हार्ड, बिकॉज ये एक रिस्पॉन्सिबल कार्ड माना जाता है। इस पीरियड में बंदे बहुत मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, अच्छा कार्ड है। मैं कहूँगी एक रेगुलर रूटीन में आपका जो लाइफ है वो नॉर्मल चलेगी, रेगुलर चलेगी। बस ये है कि इस वीक आप अपने आइडियाज़ पे ध्यान दीजिएगा। अगर कोई आपको आइडियाज़ आ रहे हैं उसको लिख लीजिए, भले आप उसको एक साल बाद करो, एक आइडियाज़ करके बुक बना लो, उसमें जो आइडियाज़ आपको स्पेशली ये वीक हो या आगे कभी भी हो, जस्ट नोट डाउन दैट आइडियाज़, बिकॉज आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं सैजिटेरियस। इफ़ यू मिस देम
सो वो बहुत हो जाता है, तो देम मिस देम, आप कहीं लिख लें, बिकॉज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के टाइम पीरियड में इंसान को बहुत क्विक आइडियाज़ आते हैं, वो उनके लिए अगर उस पर काम करें तो उनको अच्छी सक्सेस भी मिलती है. सो फोकस ऑन दैट लिटिल लिटिल आइडियाज़ दैट यू गेट सैजिटेरियस इन दिस वीक. अदरवाइज इट इज़ अ गुड एंड अ पॉजिटिव कार्ड फॉर यू सैजिटेरियस. समय काम को लेकर, हेल्थ को लेकर शुभ एंड अच्छा होता हुआ दिख रहा है, नथिंग टू वरी. और हाँ, एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जल्दबाजी में कोई चीज़ मत कह दीजिए या किसी से भी कुछ रूड होकर मत कहिए, बिकॉज़ ये टाइम पीरियड में क्या होता है, इंसान इतना तेज़ सोच रहा होता है, तेज़ कर रहा होता है, इतना हेक्टिक होता है कि कई बार किसी से अनबन हो जाती है, रूड बोल देते हैं या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं. तो उसे थोड़ा सा बैलेंस एंड करके चलिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम सैजिटेरियस इन दिस वीक. शुभ एंड पॉजिटिव वीक है. चलिए चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड आया है द थ्री ऑफ वॉन्ड्स. ओके कैप्रिकॉर्न, सबसे पहली चीज़ ट्रैवल इंडिकेशन. कैप्रिकॉर्न्स, कुछ कैप्रिकॉर्न्स प्लान कर सकते हैं टू ट्रैवल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. बिजनेस बढ़ाने का सोच सकते हैं, जॉब को चेंज करके एक्सपांड करने का सोच सकते हैं. जो भी हो, पैसा और करियर को बढ़ाने का सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स इन दिस वीक. एनर्जीज अच्छी हैं, आपका माइंडसेट, आपकी पॉजिटिविटी अच्छी है इस वीक में. सो कैप्रिकॉर्न्स, आप जो भी काम को लेके प्लानिंग कर रहे हो, बिल्कुल भी मत रुकिए, आगे बढ़ते जाइए. जो भी आपको आइडियाज़ प्लानिंग कर रहे हो, अच्छी चल रही है, उसे भी करते रहिए. रिजल्ट्स इतने क्विक ना आए भले, लेकिन रिजल्ट्स मिलेंगे. ये वीक में आपको ध्यान देना है कि अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते तो जा सकते हैं, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते तो कर सकते हैं. हर चीज़ के लिए शुभ एंड पॉजिटिव कार्ड माना जाता है द थ्री ऑफ वॉन्ड्स. तो आपकी जो प्लानिंग चल रही है ना, और मेरे ख्याल से ना कैप्रिकॉर्न्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं ये वीक में, किसी ना किसी चीज़ को लेकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है. मे बी कंट्री चेंज है, स्टेट चेंज है, सिटी चेंज है, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं टू ग्रो देयर बिजनेस एंड फाइनेंसेस. तो ये एनर्जी अच्छी है, बट हम कहते हैं कि ये टाइम पीरियड अच्छा है. आई सी कैप्रिकॉर्न्स ये वीक में पॉजिटिव, हैप्पी, यू नो, अपलिफ्टेड फील करेंगे ये वीक में. तो अच्छे कार्ड है, शुभ कार्ड है कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए. मेरे ख्याल से कैप्रिकॉर्न की सारी एनर्जी नो ट्रैवल, प्लानिंग, मनी, इसी के बारे में सोचती हुई जाएगी इन दिस वीक. मोस्टली व्हाट आई सी कैप्रिकॉर्न्स इन जनरल रूटीन में आपके देखा जाए तो ये आपके लिए कार्ड आया है. एंड इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें कि आपके लिए, सॉरी, हमारी जो अगली राशि है दैट इज़ एक्वेरियस. एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड आया द टावर कार्ड. यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी एक्वेरियस के, इन दिस वीक मोस्ट ऑफ द टाइम एक्वेरियस जब भी टावर कार्ड आते हैं, हम कहते हैं कि नो, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बिग चेंजेस हो रहे हैं, जो आपने सोचा नहीं था कि ये चेंजेस होंगे, बट वो चेंजेस हो रहे हैं एक्वेरियस. सो जस्ट बी अवेयर कि आपकी लाइफ में आपके बिना चाहते हुए भी, मे बी इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स योर करियर, इट्स योर जॉब, कुछ सडनली कोई चेंज हो रहा है, सडनली कोई सिचुएशन चेंज हो रही है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है. सो जस्ट स्टेप बैक एंड वो होने दीजिए. दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगेन लाइक अ डेथ कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज़ अ कार्ड ऑफ समथिंग न्यू बिगिनिंग्स आफ्टर सम एंडिंग्स. तो वही माना जाता है इस कार्ड को कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में, स्पेशली एक्वेरियस में कहूँगी, कोई ना कोई चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो, शॉक हो, सैड हो कि ऐसा हो कैसे गया और ये हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है. तो आप वजह ढूंढेंगे एक्वेरियस इस वीक में कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये हुआ क्यों. बट मैं सजेस्ट करूँगी एक्वेरियस थोड़ा सा शांत हो जाएं. ये टाइम पीरियड में आपको खुद का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस, बिकॉज इट्स लाइक, हम कहते हैं ना, इट्स लाइक द टावर कार्ड को आप ध्यान से देखिए तो ये कैलामिटी आई है. कैलामिटी हम कहते हैं ना कि यू नो, जैसे कि हम अर्थक्वेक हो गया, कुछ भी हो गया, वो किसी के कंट्रोल में नहीं था और बहुत सडनली हुआ है. तो वो टाइम पीरियड में हम अपना खुद का सर्वाइवल पहले देखते हैं, यू नो, एंड टू जस्ट नीडफुल चीज़ें करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, खुद का ख्याल रखते हैं, उतना करते हैं, हम लग्जरी नहीं देखते हैं. तो सिमिलरली एक्वेरियस ये वीक में आपने ध्यान देना है कि बस आप खुद का ध्यान दीजिए, खुद के इमोशंस का ध्यान दीजिए, ट्राई टू बी बैलेंस. अगर आपके आसपास आपको लग रहा है बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है, तो आप स्थिर हो जाओ, वो सजेशन है. तो आपके स्थिर होने का सजेशन मैं दूंगी एक्वेरियस. आई डोंट नो आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस हैं, क्या चल रहा है, क्या बिग है, बट फॉर सम एक्वेरियस आई वुड सजेस्ट दिस, जस्ट टू बी स्टिल, स्थिर हो जाएं. उसके अलावा इन अ जनरल रूटीन, अगर मैं कहूँगी आपका जनरल रीडिंग के लिए मुझे कहना हो, तो येस एक्वेरियस ये वीक में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप्स या पॉलिटिक्स या करियर में, उसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए.
जितना हो सके कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टिंग एटीट्यूड रखें ये वीक में, वो हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा नथिंग बिग टू वरी, कोई ड्रास्टिक इवेंट्स एक्स्ट्रा नहीं होंगे आपकी लाइफ में ये वीक में, ऑल दैट इज़ फाइन। बिकॉज टैरो कार्ड्स मोस्टली जब हम वीकली रीडिंग करते हैं तो वो मोस्टली एनर्जीज, मूड एंड सिचुएशंस इंडिकेट करते हैं, तो इतना कोई बिग इवेंट नहीं है आपकी ये वीक में आने वाले में। बट येस, मैं कहूँगी जस्ट बी प्रिपेयर्ड इफ़ कुछ टाइम से चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं और आपको लग रहा है कि वो ख़त्म होने वाली हैं, एंडिंग्स में हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, फ्लो में रहिए। वो सजेशन है कार्ड्स का आपके लिए फॉर दिस वीक एक्वेरियस। सो दिस इज़ द एनर्जी फॉर यू एक्वेरियस ऑल ओवर फॉर दिस वीक। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप ये कार्ड से कितना रिलेट हो पाए हैं, क्या सिचुएशन है एंड कितना कनेक्ट कर पाए हैं। चलिए चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड है द टू ऑफ वांड्स। ओके, आई थिंक इट्स द सेम कार्ड लाइक कैप्रिकॉन्स। सो पाइसेस आपके लिए कार्ड कहता है कि सबसे पहली चीज़, पाइसेस भी ये वीक में कुछ डिज़ायर कर सकते हैं कि उन्हें कहीं घूमने जाना है, कहीं वो अपना प्लेस चेंज करना चाहते हैं, कंट्री चेंज करना चाहते हैं, मे बी वर्क लाइफ। बट पाइसेस का पूरा ध्यान उनके काम पे है, फोकस उनका वर्क एरिया में है कि वो कैसे पैसे बढ़ा सकते हैं, गेन कर सकते हैं। सम पाइसेस माइट ऑल्सो गो फॉर अ करियर चेंज या डिज़ायर ऑफ अ करियर चेंज, या दो जगहों में कंफ्यूज हैं, जैसे कि वो जॉब भी करें, बिजनेस भी करें, या दो जॉब में से कौन सा जॉब चूज़ करें, या दो करियर पाथ है उसमें से कौन सा करियर पाथ चूज, समथिंग कंफ्यूजन है थोड़ी सी, बट दैट्स ओके। ये वीक में हम कहेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शुभ कार्ड है। उसी के साथ साथ मैं कहूँगी कहीं ना कहीं फॉर सम पाइसेस पीपल ये वीक आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी फील हो सकता है, लाइक अबाउट योर फ्यूचर कि यू नो आप ये जो भी आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, आप ये कर सकते हो। अगर आप स्लो स्लो स्टेप बाय स्टेप चलें या एक फ्यूचर प्लानिंग करें तो आप कर सकते हो। तो पाइसेस को बहुत ज़्यादा एश्योरिटी, पॉजिटिविटी आने के लिएगा कि नहीं भाई हम कर सकते हैं, हम जितना हम सोच रहे थे नहीं कर पाएंगे ऐसा तो नहीं है, अगर हम ध्यान दें, कोशिश करें तो कर सकते हैं। वेदर इट्स एनी सिचुएशन, वेदर इट्स एनीथिंग, आपको अब लगेगा कि यू नो आप चीज़ें हैंडल कर सकते हो। आप वैसे अच्छा ही करो, इतना भी बुरा नहीं करो, या हम कहते हैं ना कि हम तो बेवजह इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे थे, चीज़ें तो हो ही जाएंगी, इतनी टेंशन की बात नहीं है। सो पाइसेस विल फील ऑफकोर्स बैलेंस ऑफ इमोशन रहेगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है बट इमोशंस अच्छे बैलेंस रहेंगे, पॉजिटिविटी फील करेंगे, ऑल दोज थिंग्स आर गुड पाइसेस। तो ये वीक में कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, इट इज़ अ गुड वीक, पॉजिटिव वीक। काम पे ज़्यादा ध्यान दोगे एंड ट्रैवल पे ज़्यादा ध्यान देंगे एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए दिख सकते हैं पाइसेस इन दिस वीक। अदरवाइज द एनर्जीज आर गुड एंड पॉजिटिव फॉर यू पाइसेस इन दिस वीक। सो आई होप आप ये रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं, आपको अच्छी लगी है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।